नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। तो वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखाते हैं। ये खबर आई है ब्रिटेन के स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड में भारतीय राजदूत विक्रम दोरेस्वामी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। विक्रम के साथ ये घटना स्कॉटलैंड में हुई, जहां वो एक गुरुद्वारे में निमंत्रण पर पहुंचे थे। विक्रम गुरुद्वारा कमेटी के बुलावे पर लंगर के लिए पहुंचे थे और गुरुद्वारे में लंगर का कार्यक्रम था। लंगर के लिए अंदर हॉल में टेबल लगे थे, टेबल पर टेबल क्लॉथ भी लग चुका था। लेकिन जैसे ही विक्रम दोरेस्वामी की ये कार गुरुद्वारे के मेन गेट पर पहुंची, तो वहां पहले से मौजूद 3-4 कट्टरपंथी सिखों के ग्रुप ने उनकी कार रोक दी। जी हाँ, सिर्फ 3 कट्टरपंथी सिखों ने भारतीय उच्चायोग की कार को रोका और फिर नारेबाजी करने लगे और उनकी कार का दरवाजा खींचने लगे, बदसलूकी की। हैरानी की बात तो यह है कि आसपास कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने इन कट्टरपंथियों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। और थोड़ी देर में भारतीय उच्चायोग विक्रम दोरेस्वामी ने अपने ड्राइवर को कहा कि वो वहां से निकलने का आदेश उन्हें दे दिया। ड्राइवर को कहा कि आप यहां से अपनी गाड़ी को घुमा ले जाएं। वो गुरुद्वारे के गेट से ही लौट गए। बड़ी हैरान कर देने वाली परिस्थिति है। क्या 3 कट्टरपंथी ये तय करेंगे कि कोई व्यक्ति लंगर का प्रसाद ले या ना ले? तस्वीरें आप देखिए, जहां कार्यक्रम होना था वहां की तस्वीरें। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से उनकी गाड़ी पहुंची थी। विक्रम दोरेस्वामी जो कि उच्चायोग हैं स्कॉटलैंड में भारत के, और उन्हें निमंत्रण दिया गया था, इनवाइट किया गया था लंगर के लिए गुरुद्वारे में। हमारे साथ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़े हुए हैं। मनजिंदर जी, ये क्या तस्वीरें सामने आ रही है? अब लंगर का प्रसाद कोई ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये भी कट्टरपंथी तय करेंगे? बड़ा ये तो मैं देखा हूँ, बड़ा दुखदाई है हमें, बहुत इसको देखकर तकलीफ हुई है। गुरुद्वारा जो है ये धर्म का स्थान है। गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो परंपरा है गुरुद्वारा साहब के अंदर जाने की, ये गुरु नानक देव जी ने तो कभी यहां कहा कि जो मानवता की सेवा में लगे लोग हैं उनके लिए इससे बड़ा सेवा नहीं हो सकती। और हमारे कौन वो लोग हो सकते हैं जो इस मानवता की बात करने वाले लोग आज इस कदर आ जाएं कि गुरुद्वारे में किसी को घुसने पे रोक लगा दें? ये सिख परंपराओं का हिस्सा कतई ना था ना हो सकता है। सिरसा जी, लेकिन मुझे अभी सुनकर हैरानगी हुई। एक मिनट जी, मुझे ये जानकारी नहीं थी उससे पहले कि उनको वहां पे इनवाइट भी किया गया था। ना भी किया गया हो तो भी कोई भी सिख के रूप में वहां जाए, कोई भी हो, गुरुद्वारा गुरु का है, परमात्मा का घर है, उस पे किसी का अधिकार अति अधिकार नहीं है। इस बात को लेके मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत खेद है कि हमारी एक छवि दुनिया भर के अंदर बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है ये उसका एक हिस्सा है। कहां तो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन, दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, सिख वहां पर आज अपनी सेवा निभा रहे हैं और दुनिया को उस पर मान है। कोविड में हमने दिखाया कि हमारे सिखों की परंपरा क्या है, हम हैं कौन, हम सेवियर्स हैं। और ये कुछ लोग जो भगवान जाने कौन ये लोग हैं जो इस तरह से सिक्की को बदनाम करते हैं। सिरसा जी, क्योंकि जो सिख समुदाय है लोग जानते हैं कि हमेशा दिल खोलकर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली, चौंकाने वाली हैं। ये आप स्कॉटलैंड की तस्वीर देखने देखिए, किस तरह से टेबल लग चुके थे, वहां पर तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि विक्रम दोरेस्वामी जो कि उच्चायोग हैं, भारत के हाई कमिश्नर हैं, उनको इसमें शिरकत करना था, शामिल होना था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे उनको बाहर ही कुछ लोगों ने रोक लिया, उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी करने लगे। और अंदर देखिए तैयारी पूरी थी, टेबल लग चुके थे, पानी के बोतल लग गए थे, कुर्सियां लग गई थी, यहां पर आके बैठकर उनको लंगर में शामिल होना था, लेकिन ठीक उससे पहले उनको रोक लिया गया। सिरसा साहब, लेकिन जिस तरह से यूके हो, स्कॉटलैंड की अभी तस्वीर आ गई है, इससे पहले अमेरिका में भी देखने को मिला, कनाडा में देखने को मिला, आखिरकार ये जो खालिस्तानी मानसिकता है क्यों हावी हो रही है समुदाय के ऊपर? क्या ऐसा वाकई में है या कुछ लोग हैं जिसको प्रोपेगेंडा के तहत कर रहे हैं? नहीं, देखिए कोई मानसिकता हम पे भारी नहीं हो सकती। हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में, हर जगह पर चंद लोग ऐसे होते हैं। अब ये लोग हैं जिन लोगों ने एक एजेंडा बना लिया कि ISI इन लोगों को अगर पैसा देगी तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं।
कुछ लोग इनमें ऐसे भी हैं जिनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनली उनको सेंटीमेंट्स के साथ जोड़ा जाता है कि नहीं आपको नहीं पता इंडिया में तो वाकई बड़ा मार। अब उन्होंने इंडिया में भी आकर नहीं देखा, उनको लगता है वाकई शायद किसी ने कुछ करा होगा, तो ऐसे भी लोग हैं, दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन ये जो कट्टर लोग जिनकी आप बात करते हैं, ये 40-50-100 के आदमी है, पूरी दुनिया में नहीं है पूरे। लेकिन क्योंकि एक सिख जो है वो अपना सुबह से लेकर शाम काम करता है और सुबह शाम परमात्मा का नाम लेता है, उसकी इससे ज्यादा भावना नहीं होती, तो चुप कर जाता है कि ठीक है मैंने क्यों कुछ कुछ बोलना है इनको, ये तो लड़ने पे आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं सीन, अब बताओ वो भी तो गुरुद्वारे के लोग ही हैं जिन्होंने विक्रम जी को वहां पर बुलाया है। बिल्कुल। और उच्च जो हमारा हाई कमीशन होता है ना, हमारे पता नहीं किन लोग इनको ये जहर डाल रहे हैं। हाई कमीशन तो एक फ्लैग पोस्ट है वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की, जो आपको सुविधा देने के लिए, आपको हेल्प देने के लिए, आपकी जरूरत आपके साथ खड़े होने के लिए वो फ्लैग पोस्ट होती है। उसका पर्पस ही बिल्कुल डिफरेंट है, और कुछ भी उसका पर्पस हो, पर मैं ये जानता हूं गुरु साहब का जो उपदेश है ना, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। एक सिख को दिए गए संदेश और उपदेश के बिल्कुल विपरीत, ऐसा कोई संदेश और उपदेश पूरी वाणी से लेकर पूरे इतिहास में मुझे नहीं कोई दिखा सकता जिसमें यह कभी कहा गया हो कि गुरुद्वारे आने पे, गुरु साहब ने तो कहा उपदेश चौं वर्णन को सांझा, कि जो गुरु का उपदेश है ये सभी के लिए सांझा है। और ये फिर कैसा सांझा है, अगर ये काम करेंगे तो फिर कैसे गुरु की उपदेश को हम पहुंचाएंगे उन लोगों तक। तो मैं बहुत दुखी हूं इसको देखने के बाद। मेरे पास ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको कंडेम कर सकूं, मेरी भावना नहीं है ये, बिल्कुल ये हर सिख की भावना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिरसा जी, और इसलिए आज आपकी आवाज विदेश में बैठे हुए उन कट्टरपंथियों को भी सुननी चाहिए जो गुरु के नाम को खराब कर रहे हैं इस तरीके से हरकतें करके। लंगर प्रसाद लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आम हो या फिर कोई हाई कमिश्नर हो, उच्चायुक्त हो, हर किसी के लिए गुरु बराबर है। बहुत शुक्रिया सिरसा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।